हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे। सीएससी आईडी रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन उसको अप्रूवल हो गया है, सीएससी आईडी भी मिल गया है, तो लॉगिन कैसे करेंगे देख लीजिए। मान लीजिए आपका मेरा एक रिफरेंस आईडी है, मैं उसको पेश करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं स्टेटस चेक करके देखता हूँ मेरा क्या अभी हाल है इसका। तो यहाँ पे स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे सबमिट में क्लिक करता हूँ। सबमिट में यहाँ पे देखिए अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सी एस सी आई डी मिल गया है, तो इसको आप लॉगिन कैसे करेंगे इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो लॉगिन करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यू टैब खोलना पड़ेगा। खोल लेने के बाद यहाँ पे आपको गूगल में लिखना पड़ेगा सी एस सी लॉगिन, ठीक है। जब भी सी एस सी लॉगिन लिखेंगे यहाँ पे, जब भी यहाँ पे सी एस सी लॉगिन लिखेंगे, यहाँ पे देखिए डिजिटल सेवा पोर्टल का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। तो इसमें क्लिक करने के बाद आपको तो डिजिटल सेवा पोर्टल का ऑप्शन खुल के आ गया है। यहाँ पे देखिए लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। जब भी लॉगिन में क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप तो यूजर आईडी आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे यूजर आईडी आप देते हैं, यहाँ पे साइन इन करेंगे तो यहाँ पे आप नहीं होगा। तो पासवर्ड कैसे आप क्रिएट करेंगे तो इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने के पहले आप अगर मेरे टिप्स ऑल टाइम में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, सबसे पहले आपके पास जो भी मैं वीडियो छोड़ू नोटिफिकेशन मिलने की। तो सी एस सी रिलेटेड बहुत वीडियो है, अगर चाहिए तो मेरे चैनल को विजिट भी कर सकते। तो वीडियो को शुरू कर लेता हूँ। पहले मुझे आ जाना है, देखिए यहाँ पे जो सी एस सी आई डी का मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, तो सी एस सी आई डी को पहले कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखिए माय अकाउंट में आपको क्लिक करना है। माय अकाउंट में जब भी क्लिक करेंगे, क्लिक करते यहाँ पे देखिए लॉगिन योर अकाउंट यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। आपका सी एस सी आई डी दीजिए, देने के बाद यहाँ पे अगर फिंगरप्रिंट में क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपका जो कैप्चर है वो कैप्चर आपको डाल देना है, ठीक है। डाल देने के बाद यहाँ पे कन्फर्म एग्री में क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे सबमिट में क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लॉगिंग टू योर अकाउंट योर सबमिट, ठीक है। तो एग्री में क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रेडेंशियल के लिए आपको सबमिट में क्लिक करना है, ठीक है। जब भी सबमिट में क्लिक करेंगे आपको ऐसा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आने के बाद कुछ देर वेट करना है आपको, 1 से 2 सेकेंड आपको एग्री में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, ओटीपी का ऑप्शन नहीं दिया गया है क्योंकि मैं फिंगरप्रिंट क्लिक किया था। इसके बाद स्टार्ट कैप्चर में क्लिक करना है, तब भी आपका फिंगर में लाइट जल जाएगा, वहां पे आपका फिंगर देना है। एक फिंगर देते देखिए यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, फिंगर भी दे दिया मैंने। तो यहाँ पे 1 से 2 सेकेंड वेट कीजिए, यहाँ पे देखिए ऐसा ऑप्शन खुल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ऐसे ऑप्शन खोलने के बाद यहाँ पे देखिए तबस्सुम आरा, जिसका नाम पे आईडी है उसका नाम आ गया है, उसका लोकेशन जिस झारखंड का है तो झारखंड का लोकेशन आ गया है, इसका मोबाइल नंबर शो कर रहा है, इसका ईमेल आईडी, फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, उसका सी एस सी आईडी और टी सी आईडी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे उसका नाम ए टू जेड डिटेल्स जो है यहाँ पे शो करेगा। देखिए यहाँ पे सी एस सी आईडी, टी सी नंबर, जो पहले टी सी अप्लाई करना पड़ता था उसका भी टी सी नंबर भी यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, केवाईसी एक्टिव करना पड़ेगा, स्टेटस आपको एक्टिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे केवाईसी अपडेट में क्लिक करना है। केवाईसी अपडेट में जब भी क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए पहले वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे केवाईसी अपडेट, यहाँ पे देखिए मोबाइल एंड ईमेल आईडी अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जो आपका डिजिटल सेवा पोर्टल जब सी एस सी रजिस्ट्रेशन किया था वही मोबाइल नंबर आपको डालना है। डालने के बाद यहाँ पे सेंट ओटीपी में क्लिक करना है। उसके बाद देखिए मेरा मोबाइल में ओटीपी भेज दिया हो, देखिए एक वन टाइम पासवर्ड चला गया है मेरा मोबाइल नंबर में, तो उस पासवर्ड को यहाँ पे डालना है। डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई में क्लिक करना है। तो मैं मेरा ओटीपी आया देख लेता हूँ, देखने के बाद यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे वेरीफाई में क्लिक करना है। करने के बाद ईमेल आईडी जो है ईमेल में सेंड करना है ओटीपी, उसके बाद मेल में भी ओटीपी चला जाएगा, उसको भी मैं डाल देता हूँ। मेरा मेल चेक कर लेता हूँ आया कि नहीं देख लेता हूँ। ओटीपी देखिए मेल में भी आ गया है, वेरीफाई सक्सेसफुल हो गया है। सक्सेसफुल होने के बाद देखिए यहाँ पे सेम डाटा इज नॉट ऐसा ऑप्शन आ रहा है, तो 1 से 2 सेकंड आप वेट कर लीजिए। वेट करने के बाद फिर से आप यहाँ पे जाइए, जाने के बाद केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में क्लिक कीजिए। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या है, आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, जॉब कार्ड, यहाँ पे 4 चीजों में आप केवाईसी कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे आधार कार्ड, यहाँ पे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और जॉब कार्ड, ठीक है। तो आपका जो है वो डाल दीजिए, मेरा आधार कार्ड है तो आधार कार्ड डाल देता हूँ। डालने के बाद देखिए यहाँ पे ब्राउजर में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो आधार कार्ड पहले से आपको अपडेट करके रख देना है,
ठीक है, देखिए मेरा आधार कार्ड यहाँ पे सेव करके रखा हूँ। यहाँ पे देखिए आधार कार्ड बोला है 10 से 80 KB के अंदर यहाँ पे अपलोड करना है, तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड को स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद अपडेट में आपको क्लिक करना है। जब भी अपडेट में आप क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे आईडी अपडेट हो गया है। उसके बाद देखिए KYC डॉक्यूमेंट हिज बीन अपडेट सक्सेसफुल, योर एप्लीकेशन अंडर रिव्यू योर न्यू अपडेट, मतलब ये आपका KYC अपडेट सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में पड़ा है, ये आपको जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है वो अप्रूव करेगा 24 घंटे के अंदर, वो भी मैं दिखा देता हूँ कैसे अप्रूव करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए नीचे देखा है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डिटेल्स, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का डिटेल्स भी आप निकाल सकते हो। तो फिर से आपको KYC डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करना है, करने के बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में क्लिक कीजिए। देखिए आपको ऐसे ऑप्शन आ गया है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 60 डेज दिखा रहा है लेकिन KYC पेंडिंग में पड़ने के बाद, लेकिन यहाँ पे आप 12 से 24 घंटे के अंदर अप्रूवल हो जाता है। ठीक है, तो मैं जो यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स में सेटिंग में जाइए, अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद देखिए KYC अपडेट रिक्वेस्ट, तो KYC अपडेट रिक्वेस्ट में डाल दिया हूँ, अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन अंडर क्विक चेक और न्यू अपडेट, तो क्विक चेक करेगा जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है वो चेक करके इसको अपडेट कर देगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया गया है, आई कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, तो मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो रहा है कि नहीं होगा देख लेता हूँ। सर्टिफिकेट में जब भी क्लिक करेंगे यहाँ पे न्यू टैब खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरा जो सर्टिफिकेट है वो CSE तरफ से वो डाउनलोड होके आ गया है, तो इसको मैं आपको सेव भी कर ले सकता हूँ, इसको डाउनलोड करके भी PDF करके भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया मेरा सर्टिफिकेट भी आ गया है, यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। उसके बाद मुझे देखना है मेरा आई कार्ड भी आ गया कि नहीं। देखिए यहाँ पे CSE ID सब कुछ दिया गया है आपका सर्टिफिकेट के अंदर, यहाँ पे आई कार्ड में क्लिक करना है। आई कार्ड में क्लिक करते देखिए मेरा जो आई कार्ड है वो आई कार्ड डाउनलोड होके आ गया है। देखिए यहाँ पे नाम आ गया है, वो CSE ID, किसॉक नेम, किसॉक डिटेल्स, जो आपका एड्रेस है शिकारीपाड़ा दुमका झारखंड, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, क्योंकि ये झारखंड का है इसलिए इसका लोकेशन झारखंड दिखा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे देखिए KYC अपडेट में फिर से क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको पेंडिंग ही दिखाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे CSE लॉगिन करना है, CSE लॉगिन कैसे करूंगा यहाँ पे दिखाऊंगा। उसके पहले आपको यहाँ पे देखना है आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नंबर, अगर आपको कुछ पूछना है तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर में यहाँ पे क्लिक कीजिए। देखिए 2 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें क्लिक कीजिए, क्लिक करते उसका नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए क्लिक करते उसका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसको फोन करके मेल करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद मुझे अभी CSE पोर्टल में आ जाना है। आ जाने के बाद यहाँ पे साइनिंग में क्लिक करने के पहले ऑर्गन में क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए आपके यूजर आईडी और यहाँ पे ईमेल आईडी देना है, जो ईमेल आईडी रजिस्टर किया था वो ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चर में कैप्चर डालना है, उसके बाद गेट न्यू पासवर्ड में क्लिक करना है। आपका मेल में एक लिंक आ जाएगा, जैसे मेरा भी आ गया है, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए मैं भी वहाँ पे लिंक में क्लिक कर दिया, देखिए मेरा भी यहाँ पे लिंक दे दिया गया है। इस लिंक में क्लिक करते हैं आपका न्यू यूजर आईडी न्यू पासवर्ड बना के यहाँ पे आप लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, तो न्यू पासवर्ड में बना लिया, उसके बाद मेरा जो आईडी है पासवर्ड है वो डालना है, जो आईडी जो पासवर्ड में न्यू बनाया हूँ उस पासवर्ड को देके यहाँ पे लॉगिन करना है। तो जब भी लॉगिन करूंगा ऐसे ऑप्शन खुल के आ जाएगा, खुलने के बाद यहाँ पे 1 से 2 सेकंड वेट करना है आपको। जब पहले बार आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने से पहले आपको ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, आने के बाद यहाँ पे आपका जो नाम है वो नाम शो करेगा, आपका स्टेट आपका दुमका जो भी है यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे शो कर देना पड़ेगा, उसके बाद आपका पंचायत देना पड़ेगा, आपका विलेज देना पड़ेगा, उसके बाद आपका पिन कोड देना पड़ेगा, और यहाँ पे किसों के एड्रेस जो आपका फुल एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ेगा। पहले बार जब लॉगिन करेंगे सेम आपको यहाँ पे सब कुछ डालना पड़ेगा। डालने के बाद यहाँ पे सबमिट में क्लिक करना है, जब भी सबमिट में क्लिक करेंगे आपको सेम ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पे आपको सब कुछ पूछा जाएगा, यहाँ पे आपका आपका डिजिटल सेवा पोर्टल आपके पास है या तो यस कीजिए ऑटोमेटिक यस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिया जाएगा, यहाँ पे देखिए आपका एप्लीकेशन अंडर व्यू यहाँ पे यस कीजिए, उसके बाद 3 नंबर में भी यस कीजिए, 4 नंबर में यस कीजिए। आप IS डिवाइस आपके पास अगर नहीं है तो नो कीजिए, फिंगरप्रिंट डिवाइस अगर है तो यस कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका पास प्रिंटर है तो यस कीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो कुछ भी आपको देख देख के यहाँ पे यस कीजिए। उसके बाद सब कुछ यहाँ पे आपके पास है तो कंट्री यस कीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे सबमिट में क्लिक कीजिए, जब भी सबमिट में क्लिक करेंगे आपका डिजिटल सेवा पोर्टल खुल के आगे जाएगा। तो आपको तो पता है आपका न्यू आईडी आप ऐसे लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए आपका फिर से अकाउंट सेटिंग में आ जाना है। देखिए KYC डॉक्यूमेंट्स इज पेंडिंग,
दिया गया है मेरा भी पेंडिंग देने के बाद आपको 10 से 12 घंटा के अंदर आपका अप्रूव हो जाएगा। मैं देखिए आज वीडियो बना रहा हूँ इसका डेट में, उसके बाद देखिए मेरा मेल किसका डेट में आ गया है, मैं दिखा देता हूँ आपको मेल आईडी। देखिए मेरा मेल में भी अपडेट आ गया है, डाटा योर अपडेट एक्सेप्ट योर KYC जो मेरी रिक्वेस्ट भेजा था, योर अपडेट आ गया है मेरा। तो यहाँ पे वीडियो में यही था, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक करना, मेरे चैनल में अगर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना।